ये सामने दोस्तों जो है कितना मस्त नजारा है अगर हमारा मोबाइल ये है दोस्तों वो बिल्डिंग देख सकते हो, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। हमारे कमेंट्स करते हैं कि हम नए फर्स्ट टाइम आए तो वहाँ पे गाड़ी कैसे चले। अभी हम दनूब मार्केट के अंदर है, मैडम ने भेजा है हमको सामान लाने के लिए। वेलकम टू माय नाउ ब्लॉग, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे मेरे भाई लोग। भाई आज के इस ब्लॉग में देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होता है, वही डेली का रूटीन आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी मैडम जाती है और कहाँ कहाँ जाना होता है। दोस्तों ब्लॉग में बने रहे शुरू से लेके आखिरी तक, देखते हैं इस ब्लॉग में क्या नया देखने को मिलता है। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट लोकेशन। उफ ये गर्मी भाई क्या बताए, इतनी तगड़ी गर्मी है भाई यहाँ की कि क्या बताए। फुल एसी करके रखा है तभी भी भाई काम नहीं कर रही एसी, और तगड़ी गर्मी है। ये है सामने इशारा, दोनों इशारे पे खड़े हुए हैं, देख सकते हो दोस्तों कितनी गर्मी है, क्या करें भाई। जा रहे हैं मैडम को रिसीव करने के लिए, उनको वहां से उठाते हैं फिर देखते हैं कहाँ जाना होता है। तो मिलते हैं आपको निश्चित रूप से यहाँ पर। ऐसा ज्यादातर आप कॉफी शॉप ही पाओगे, ज्यादातर कॉफी शॉप है, होटल कॉफी शॉप, होटल सब VIP। और अभी आपको एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पे ब्रिज बन रही है, 10 साल मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट है। इतना प्रॉब्लम है भाई क्या बताएं, सारे रास्ते ये देख सकते हो दोस्तों ना, ये सारे रास्ते बंद करके रखे हुए इन लोगों ने। घुमा घुमा के जाता हूँ, वो सामने तो मूवी है, सिनेमा हॉल थिएटर 4DX स्क्रीन इसके अंदर लगी हुई है। इसको ये रोड है, इसको कोलिया बना दिया है, कोलिया जो गली होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। न्यू वर्ल्ड है, अभी इसका ओपन होने का टाइम आ गया क्योंकि मदरसे बंद हो गए है ना, 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर बंद हो जाएंगे फिर ये चालू हो जाएगा। ये ब्लू वर्ल्ड है, यहाँ पे आए थे सलमान खान उद्घाटन के। देख लो दोस्तों क्या है नजारा, ऐसा लगता है कि मतलब इस साइड में पहाड़ और रेगिस्तान है और उस साइड में जो है बिल्डिंग बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है पूरी सिटी है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये बिल्डिंग बनी कहाँ पर है, मिट्टी के ढेर में बनी ऐसा लग रहा है। सो गाइस अभी आ गया हूँ मैडम की लड़की को रिसीव करने के लिए। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है सिर्फ एक गाड़ी ही जा सकती है, अगर उधर से गाड़ी आ गई ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। इस साइड में ये गवर्नमेंट का मकतब है, सामने तो वो बिल्डिंग, बाकी तो भाई ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, दूर रुक के दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई कितनी ऊंची बिल्डिंग है, दिखेगी भाई। अभी आ रहा था मैं रास्ते से, इस साइड में देख सकते हो दोस्तों हमने लगा दिया है थोड़ा, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाया था। इतना खतरनाक भाई एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी पलट गई, आगे का इंजन ही लापता हो गया है। ये होती है ड्राइवर की लाइफ, हालांकि ये इंडियन नहीं है, ये है सऊदी की। ना के भाई अगर आप पहली बार आते हो यहाँ पर या रिटर्न हो तो भाई थोड़ा सोच समझ के गाड़ी चलाया करो, क्योंकि जिंदगी अनमोल है भाई। हम यहाँ पर है, हमारे पीछे हमारा परिवार इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। यहाँ पर है जो विदेश में गाड़ी चलाते हैं, मैं थोड़ा सोच समझ के चलाए। और हम ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि जो भी ड्राइवर लोग हैं भाई, जो भी परदेसी हैं, उनको अल्लाह सही सलामत रखे, उनको अपने मुल्क सही सलामत भेजे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे, अभी आए हैं जामा उलीसा। मैडम को वहाँ से हमने रिसीव किया था जामा साउथ से, उसके बाद घर पर छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैडम की लड़कियाँ, अभी तकरीबन 6:21 हुआ है देख सकते हो दोस्तों, और अभी ये लड़कियाँ आई हैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए। साइड में देख सकते हो ये कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे आई है कॉफ़ी पीने के लिए। तो सामने दोस्तों यहाँ पर लड़कियाँ आई थी कॉफ़ी पीने के लिए, देख सकते हो ये है कॉफ़ी शॉप। तो चलो यहीं पर इंतज़ार करते हैं इनका, देखते हैं कब आना है। जुम्मा का दिन है, देख सकते हो पूरी रोडें खाली पड़ी हुई है। अभी मैं सो के उठा हूँ और जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए, पूरी मतलब रोडें खाली पड़ी, कोई आदमी दिखता ही नहीं, बहुत कम गाड़ी, नहीं तो इस पर तो इतनी गाड़ियाँ रहती हैं कि क्या होता है। सामने दनूब है, चलो मिलते हैं होटल। एक रास्ता यहाँ पे बंद हो गया था भाई, आगे का एक रास्ता बंद था, तो अभी मैं गली में टहल रहा हूँ भाई, क्या करूँ भटक गया हूँ रास्ता। यहाँ पर यही तो एक दिक्कत आ जाती है भाई कि अगर एक बार जो है आप अगर रास्ता भूल गए हो तो फिर आप भटक सकते हो, क्योंकि वहाँ पर रास्ता उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो अभी हम क्या करें, इधर उधर जा रहे हैं। जाके मेन रोड पे आया हूँ भाई, अब यहाँ से मैं यू टर्न करूँगा, यू टर्न करने के बाद फिर सीधा होटल पे जाऊंगा। बाकी ये सारे कॉफी शॉप रास्ता लेकर के मैं आगे साइड में रखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो मैं लाया हूँ सब्जी, और यहाँ पे मिलती है पराठा टाइप का होता है रोटी, तो 1 रियाल की 1 रोटी देते हैं और 3 रियाल की सब्जी लेकर के आए हैं। हालांकि अंदर बहुत सारे आदमी रहते हैं ना, तो थोड़ा शर्म लगता है वीडियो बनाने के लिए। देख सकते हो यही होटल है, बंगाली होटल है मतलब। तो चलो अब चलते हैं
रूम पे और नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे और मैडम के साथ। ये सामने दोस्तों देखो कितना मस्त नजारा है, अगर हमारा मोबाइल का कैमरा साफ होता तो और मजा आता भाई। ये देख सकते हो, ये है मलिक अब्दुल्ला, कितना मस्त, ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं आपको, क्या फील आ रहा है। अभी देख सकते हो ये सामने जो घर आपको दिख रहा है ना, ये घर और एक वो घर, ये यहाँ के अमीर के घर हैं, उसकी बहन का घर है वो सलमान की, और ये उसके शायद कोई रिश्तेदार का ही घर है। मतलब चारों तरफ से जो है ना पुलिस लगी ही रहती है, चारों तरफ से इधर लंग बड़े बड़े टैंक रखे हुए। गाइस रूम पे गया था नाश्ता वास्ता करके, फिर अभी आया हूँ धनुब। मैडम ने बोला धनुब जाओ, तो हमने सोचा यहाँ पे मोबाइल दिखा देते हैं। धनुब में लगे हुए हैं सैमसंग गैलेक्सी के, 1500 रियाल का भी इस टाइम ऑफर चल रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों, ये सारे ऑफर में हैं। मतलब जो 1000 के हैं वो 800 के हैं, जो 800 के वो 600 के, बाकी साइड में सारे लिट मिट हैं। और ये है धनुब मार्केट, यहाँ पे सारा कुछ लगा हुआ है। तो वो बोली है जाओ जरीस तुर्की लेकर के आओ, तो जरीस तुर्की ढूंढ रहे हैं। धनुब आया था भाई जरीस लेने के लिए, वो जरीस अमानी है, जरीस तुर्की नहीं है। तो मैडम बोलते वापस चले आओ, बोलते हैं कि वापिस आओ, फिर हमें लगता है तमीमी भेजेंगे। सामने देख सकते हो दोस्तों ये है धनुब, बोलते हैं कि ओथाइम जाओ, ओथाइम अब जाएंगे दोस्तों, तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। और इस साइड में दोस्तों देख सकते हो ये है कॉफ़ी शॉप, सारे मतलब यहाँ पे ये बुक स्टोर है, कुछ इस तरीके का यहाँ का लुक है। देख सकते हो दोस्तों ये है सऊदी अरब। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें, आप लोगों के लिए ही वीडियो हम बनाते। देख सकते हो सऊदी का ये है नज़ारा। तो अभी हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पे, यहाँ पर है कैमरा और मिलते हैं वो थाइम के अंदर, वो थी मॉल भी आपको हम दिखाते हैं। ये हो गया नेशनल हाईवे, ये गया है एक मक्का, एक गया है अलखर्ज, तो चलो चलते हैं। दोस्तों ये है जरीर बुक, जरीर बुक हो गई, साको हो गई, इसके अंदर मतलब हाइपर पांडा भी है, इसके अंदर मोबाइल, किसी दिन हम व्लॉग बनाएंगे, हालांकि इस पर पहले से ही बना रखा है हमने एक व्लॉग। इसके अंदर मोबाइल मतलब जो भी सामान इसके अंदर बिकता है ना, वो सारा ओरिजिनल होता है, हालांकि महंगा होता है, 100-200 का फर्क होता है, लेकिन ओरिजिनल होता है। हमने दो मोबाइल लिए हैं, ये दोनों मोबाइल जो है जरीर बुक से ही लिए हैं। तो अभी हम ओथाइम पहुँचने वाले हैं, भाई ओथाइम के अंदर हम आ चुके हैं, ये सामने ओथाइम मॉल है और ये ओथाइम का गेट। तो गाड़ी को हम करते हैं पहले पार्क, उसके बाद फिर अंदर जाते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों ये है ओथाइम का गेट, अंदर चलते हैं। यहाँ पर तोप भी रखी हुई है, देख सकते हो लकड़ी की तोप है, ये अंदर चलता है। बाकी इस साइड में तो ये मिर्ची है, शिमला मिर्च, और इधर जो है सेब रखे हुए हैं, देख सकते हो दोस्तों रंग बिरंगी। बाकी इधर तो मुर्गी, यही मुर्गा चिकन विकन सब है, ये तो आलू की चिप्स हैं। बाकी साइड में तो बैग रखे हुए हैं, देख सकते हो दोस्तों, देखते हैं कितने रुपए की हैं ये, 129 रियाल की, 175 की थी ऑफर में, 129 की है, 179 की है, बहुत महंगी भाई हैं ये सब बैगें हैं। और इस साइड में इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये मिक्सर मशीन हो गया, यही सारा कुछ। तो ये है यहाँ का मैरिज हॉल, देख सकते हो मैरिज हॉल है पूरा। दोस्तों सामान वहाँ पे नहीं मिला था, तो अभी मैं तमीमी आया हूँ, तमीमी में देख रहा हूँ है कहाँ पर, मतलब पहले गया हूँ धनुब, धनुब से फिर गया हूँ ओथाइम, ओथाइम से अभी इधर आया हूँ, मिल नहीं रहा है कहाँ पर है वो चीज़, कहाँ पर है, बड़ी मुसीबत है, सामान नहीं मिलता भाई जल्दी यहाँ पर, कंफ्यूज हो जाओ। ये चीज़ है शायद, हाँ यही चीज़ है, ये चीज़ है। तो चलो दोस्तों ये दो चीज़ के लिए हमको यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा, ठीक, जिसके लिए हम दौड़ दौड़ के यहाँ पे वहाँ पहुँचे दोस्तों बड़ी मुश्किल से सामान मिल पाया है, बहुत दूर दूर गया हूँ, तकरीबन 1 घंटा हो गया दौड़ते हुए। अभी जाएंगे रूम पे, नहाएंगे, नहाए वहाएंगे, फिर नमाज वमाज पढ़ेंगे, फिर देखते हैं। हमारे घर हम आए थे खाना देने के लिए, आज शायद मैडम ने पार्टी रखा है, खाना देने के लिए हम आए थे, और अब हम सीधा जाएंगे रूम पर, उसने बोला खाना दे करके आप रूम पर चले जाओ।
फिर जो है तकरीबन 11:30 या 12 बजे मुझे आना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बस्ती देख रहे हो दोस्तों, ये रियाद की ओल्ड समझ लो सबसे पुरानी ये सिटी है दरैया। तो यहाँ पर जो है सब बिल्डिंगें बन रही हैं और इस साइड में यहाँ से रियाद बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल खलास, मतलब इसके आगे सिर्फ पहाड़ पहाड़ है और कुछ भी नहीं है। देख सकते हो दोस्तों, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ धुंधला धुंधला, ऐसा लग रहा है कि कोहरा गिर रहा है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ से रियाद ये लास्ट है, बस इधर ही समझ लो, आगे कुछ नहीं है, वो सिर्फ पहाड़ आगे देख सकते हो दोस्तों, पहाड़ी पहाड़ है बस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, अपने भाई का सपोर्ट करें। हम रियाद के अंदर रहते हैं, यहाँ का व्यू आपको हम दिखाते हैं, मैडम कहाँ कहाँ जाती है वो भी हम दिखाते हैं, और रियाद में कैसी गली है, कैसे क्या है, सब पूरा डिटेल हम बताते हैं। अच्छा, बहुत से भाई हमारे कमेंट्स करते हैं कि हम नए फर्स्ट टाइम आए तो वहाँ पे गाड़ी कैसे चलाएं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए कि फर्स्ट टाइम अगर आप आते हो ड्राइविंग के काम में तो गाड़ी आप कैसे चलाओगे। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।